हेलो गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीएसएस सिलेक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए, पांच अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर सिलेक्टर्स हैं। तो ये चार जो है ये हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सिंपल सिलेक्टर्स। तो सिंपल सिलेक्टर्स का मतलब क्या है? अभी सिलेक्टर्स तो आपने ऑलरेडी जान लिया है लास्ट वीडियो में कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं, उसको सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं। सिंपली एचटीएमएल में जो भी हम लोग डालेंगे उसको सीएसएस हम लोग ने अप्लाई की थी लास्ट टाइम, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। देखिए, सिलेक्ट एलिमेंट्स करता है, ये क्या करता है? सिंपल सिलेक्ट्स का मतलब यहाँ पर बेस्ड ऑन सिलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन नेम, आईडी और क्लास। तो ये तीनों चीजें जो लिखी है यहाँ पर, ये अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरा दूसरा एचटीएमएल है और ये दूसरी वाली सीएसएस मैंने यहाँ पर निकाल के रखी है, और यहाँ पर मैंने कुछ चीजें रखी है जो अभी एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर देखिए एलिमेंट सिलेक्टर करके कुछ होता है, राइट। तो एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब है, आप जब एचटीएमएल में कुछ लिखते हो, H1, H2, H3, H4, पैराग्राफ, इमेज, डिव, और वैसे का वैसा आप सीएसएस में उसको लिख के स्टाइल अप्लाई करते हो, तो उस तरीके को कहा जाता है एलिमेंट सिलेक्टर। चलिए उसको पहले हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल देख लेते। तो यहाँ पर मैं मान लो एक डिव ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं इस डिव में कहता हूँ H2, और इस H2 को मैं नाम देता हूँ, मान लो चलो कॉलम 1, और इस कॉलम 1 के नीचे मैं चाहता हूँ एक पैराग्राफ आए, और उस पैराग्राफ के नीचे एक एंकर टैग ले लेते हैं रीड मोर नाम से, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद हम जाते हैं हमारे ब्राउजर पे। तो ये देखिए, आपको इस तरह कुछ दिखाई देगा। तो देखिए, मैं आपको समझा रहा था सिंपल सिलेक्टर्स और बेस्ड ऑन नेम हम लोग पहले देखते हैं। बेस्ड ऑन नेम का मीनिंग क्या है वो अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लो कि आपका जो H2 है यहाँ पर, इसको मुझे स्टाइल करनी है, तो सिंपली मैं मेरे CSS के फाइल में जाऊँगा, मैं लिखूंगा H2 कर्ली ब्रैकेट्स, और मैं बोल रहा हूँ कि इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई कीजिए, और चलिए ऑलिव ले लेते। तो मैं सेव करता हूँ, तो सिंपली पता चल गया आपको कि ये कुछ इस तरह काम करता है, राइट। तो मैंने यहाँ पर H2 लिखा, यहाँ पर भी H2 लिखा, CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू अप्लाई कर दी, यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो इस वाले तरीके को, इसी को कहते हैं बेस्ड ऑन नेम, ओके। तो एलिमेंट सिलेक्ट करता है बेस्ड ऑन नेम। तो बेस्ड ऑन नेम का मतलब क्या है? जैसे H2 टैग है, तो H2 है, इसीलिए हमने यहाँ पर H2 लिखा है, ठीक है। ये ना क्लास है ना आईडी है, और क्लास आईडी हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे, फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करिए। तो ये सिंपल सा क्या है हमारा, बेस्ड ऑन नेम है। तो ये पहली चीज हम लोग ने देखी। अब यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट देखते, देखिए पहला कंसेप्ट और समझ गए, ठीक है। पी मतलब क्या है? सिंपली हम लोग ने जैसे H2 लिया और यहाँ पर H2 को अप्लाई कर दिया CSS, ठीक है। अब दूसरा देखिए कंसेप्ट उसने क्या है दिया, यहाँ पर डेमो दिया है, और यहाँ पर एक स्पेस है, और आगे फिर से पी दिया है, ठीक है। ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए, हाँ, ये नाम आपको यूज नहीं करने हैं। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये सारे डेमो पर्पस के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो चलिए ये दूसरा वाला कंसेप्ट देखते हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब देखिए, इस डिव के अंदर मान लो कि आपके पास तीन कॉलम्स है, तो मैं दूसरा कॉलम यहाँ पर लगा देता हूँ और तीसरा, ठीक है, और ये मैं बोलता हूँ कॉलम 2, और यहाँ पर कॉलम 3, और सेव कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए तीन कॉलम्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर इसीलिए अप्लाई हो रहा है बिकॉज यहाँ पर आपने H2 ऑलरेडी लिख के रखा है, और आपके एलिमेंट में तीन तीन H2 अवेलेबल है, तो तीन अगर है तो वो अप्लाई करेगा, ठीक है। आते हैं उसी उसी कंसेप्ट पे आ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लो मैंने इसको आईडी लगा दिया। अभी मैं आईडी नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ देखिए आप यहाँ पर कि मैंने एक आईडी लगा दिया, मैंने बोला इसको हेडर, हेडर या फिर चलिए कॉलम ही ले लेते, मैंने बोला कॉलम 1, और यहाँ पर मैं आईडी लगा देता हूँ, मैं बोलता हूँ कॉलम 2, और यहाँ पर भी एक आईडी लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कॉलम 3। अब होगा क्या, देखिए मैं सेव करता हूँ, फिर भी यहाँ पर तीनों H2 जो है उसको बैकग्राउंड अप्लाई हो रहा है। तो ये कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था, देखिए ये वाला, तो ये है क्या? इसका मतलब ही मैं चाहता हूँ कि मेरे पहला वाला जो कॉलम है उसमें जो H2 है बस उसी को ये वाला बैकग्राउंड अप्लाई हो। तो ऐसा अगर आप चाहते हो तो
आपको देखिए सीएसएस में अंदर, सीएसएस में जब भी आप आईडी डालते हो, ठीक है, आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है हैश और उस आईडी का नाम जो भी आपने वहां पर मेंशन किया हुआ है। तो मैंने क्या मेंशन किया है, आईडी कॉलम 1, ठीक है, यहाँ पर देखिए आईडी यहाँ पर कॉलम 1 डाल के रखा है मैंने, तो इसीलिए मैं सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है आपको आईडी कॉलम 1, लेकिन आईडी है इसीलिए आपको यहाँ पर हैश लिखना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर एक स्पेस दिया है मैंने, अभी कंसेप्ट समझ में आ गया आपके। तो यहाँ पर जो ऊपर दिखाया था इन्होंने डेमो स्पेस पी, बस वही कंसेप्ट यूज किया हुआ है, हैश कॉलम 1 H2। तो अब क्या होगा, ये कॉलम 1 में जो H2 है बस उसी को CSS अप्लाई करेगा। तो मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर देखिए पहले वाले कॉलम के H2 को ही CSS अप्लाई हो चुकी है। तो ये हमारा दूसरा कंसेप्ट था बेस्ड ऑन नेम में, ठीक है, एक्चुअली बेस्ड ऑन नेम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने आईडी यूज किया है, लेकिन ये आईडी जरूरी था आपको ये कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर है तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट ही यूज करना है, आप आईडी यूज कर सकते हो, जैसे अभी अभी हम लोगों ने यूज किया, आप क्लास भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी यूज हो सकता है। लेकिन एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है, अगर एक पेरेंट डिव है आपके पास तो ये कॉलम 1 क्या है, देखिए कॉलम 1 के अंदर ये सारी चीजें, मतलब ये सारी जो चीजें है इस कॉलम 1 के चाइल्ड है, तो कॉलम 1 क्या हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा। तो इस पेरेंट के अंदर की चीजों को अगर आपको एक्सेस करके सीएसएस अप्लाई करनी है तो ये आपका तरीका है, तो ये आपको फॉलो करना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट पे। अब देखते हैं यहाँ पर आईडी सिलेक्टर, जो कि हम लोग ने अभी ऑलरेडी देख लिया, फिर से चलिए कोई बात नहीं, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि पेरेंट को ही लगाना है, ये मैं किसी भी एलिमेंट पे लगा सकता हूँ। मान लो मुझे H2 पे आईडी लगाना है तो मैं सीधा जाके यहाँ पर लगा दूंगा और मैं बोलूंगा हेडिंग और मैं सेव करता हूँ, ठीक है। आईडी देखिए आईडी क्या है, सबसे पहली चीज आईडी एक एट्रीब्यूट है जो हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हैं, उसका अलग से यूज है, और हम लोग सीएसएस में भी यूज कर सकते हैं जो अभी हम यूज कर रहे हैं। तो आईडी जो है उसको सीएसएस भी अप्लाई की जा सकती है और जावास्क्रिप्ट में भी उसको एलिमेंट गेट करने के लिए काम आता है और भी कई सारी चीजें, ठीक है। तो फिलहाल उसमें नहीं गिरते हम लोग, फिलहाल हम लोग सीएसएस में फोकस करते हैं, इतना समझ लेते हैं। आईडी जो है ये आपका एक एट्रीब्यूट है और यहाँ पर एक नाम लेता है, तो मैंने आईडी हेडिंग डाल दिया। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं बोलूंगा ओके आईडी है इसीलिए मैं हैश डाल रहा हूँ और उसका नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, और मुझे इसको कुछ अलग अप्लाई करना है। तो मैं जाके यहाँ पर कलर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, मैं रेड बोलता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। तो सेव करने से देखिए उसका टेक्स्ट कलर जो है वो रेड हो जाएगा, लेकिन हम लोग ने ये कलर कैसे लगाया, उसको यहाँ से लगाया, देखिए इस आईडी की वजह से कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके अंदर भी जाके इसको कलर अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था कि आईडी हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, ओके। चलिए तो ये हमारा दूसरा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं देखिए क्लास सिलेक्टर, ओके। तो अब क्लास सिलेक्टर क्या है, देखिए डेमो पी डेमो और ये इसमें भी कुछ तीन अलग कंसेप्ट है। तो देखिए डेमो और डेमो के लिए मतलब क्या है, देखिए डॉट डेमो लिखा है, राइट, तो यहाँ पर मान लो, ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं क्लास के लिए हम लोग अलग से लेते हैं, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ऐसे ही रख देता हूँ मैं, और ये चीज मैं नीचे एक कॉलम यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आईडी डाल देता हूँ, सॉरी एट्रीब्यूट डाल देता हूँ आईडी से क्लास, ठीक है, आईडी निकाल दिया मैंने, मैंने डाल दिया क्लास और इसको कॉलम 1 फिर से कर देते हैं, और ये जो था ये हमारा कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ये हम लोग ऊपर लिख के भी रखता हूँ मैं ताकि आपके रेफरेंस के लिए रहेगा। ये हमारा पहला कंसेप्ट है एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या था, आईडी सिलेक्टर के लिए हम लोग ने यूज किया था, ठीक है, ये मैंने रख दिया, ये आप बाद में देख सकते हो आराम से इसके, ओके। तो ये क्या हुआ है ऐसे, ओके। अब यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, तो देखिए फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ये पूरा फ्रेश दिखेगा आपको, कॉलम 1 पैराग्राफ और ये। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्लास वाला कंसेप्ट, ठीक है, तो क्लास वाला कंसेप्ट देखने के लिए देखिए यहाँ पर पहले दिखाया है डेमो, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो पहली चीज हम लोग देखते हैं, तो क्लास मतलब क्या है, सिंपली आपको लिखना है क्लास
और उसमें जो नाम आपको लिखना है वो नाम, जैसे आपने आईडी को लिखा था वैसे ही आपने यहाँ पर क्लास लिखना है। ओके, तो मैं देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास है, तो क्लास है इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, डॉट लिखना पड़ेगा आपको। अगर आईडी था, जब आईडी आपने यूज किया था, देखिए आपने क्या यूज किया, यहाँ पर हैश यूज किया है। तो लेकिन जब आप क्लास लगा रहे हो HTML के अंदर, तो आपको लिखना पड़ेगा डॉट और उसका नाम, जो जो भी नाम है उसका, कॉलम वन है ना, तो कॉलम वन कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं उसको फिर से BSC के जी बैकग्राउंड कलर देता हूँ, मान लो चलो ऑरेंज देते इस बार, ठीक है, मैंने सेव कर लिया। तो अब देखिए पूरे कॉलम को वो अप्लाई हो जाएगा। कॉलम को क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपका ये जो है डिव क्लास कॉलम है, ये पेरेंट है और सारी चीज इसके अंदर है, और मैंने सीधे सीधे कॉलम को ही अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह कुछ काम करता है हमारा क्लास का एट्रीब्यूट। तो अगर आपने HTML में क्लास डाला है, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए यहाँ पर डॉट और क्लास नेम लिखना है, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, पी डॉट डेमो का मतलब। पी डॉट डेमो का मतलब देखिए, मान लो चलो पैराग्राफ तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो मैं पैराग्राफ को भी एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक टेक्स्ट कलर लगा दीजिए, और ओके टेक्स्ट TXTCOLOR, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, मैंने क्लास लिख दिया इसको। तो यहाँ पर जाके आप सिंपली क्या कर सकते हो, सिंपल से लिख सकते हो जैसा वहां पर लिखा हुआ है, और मैं कहता हूँ कि इसको टेक्स्ट कलर अप्लाई कर दीजिए, तो टेक्स्ट कलर मैं चाहता हूँ चलो ब्राउन दे दीजिए, ठीक है, मैंने सेव कर लिया। और सेव करने के बाद देखिए ब्राउन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, जो कॉलम है ना इसको येलो कर देते हैं, तो हमें वो अच्छे से नजर आएगा। सेव, देखिए ये ब्राउन हो गया हमारा पैराग्राफ। तो ये तो ठीक है, ये तो सिंपल पहला कंसेप्ट था हम लोगों ने जो देखा ये वाला। तो इसमें दूसरा कंसेप्ट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए पी टैग है, करेक्ट, तो पी डॉट क्लास कुछ इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इसीलिए वहां पर दिखाया था। वैसे देखिए मैं पी डॉट टेक्स्ट कलर लिखता हूँ, सेव करता हूँ, और देखिए अभी वापस सेम क्लास अप्लाई हो रहा है, मतलब जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ब्राउन, तो ब्राउन ही दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह भी आप क्लास लिख सकते हो अपने CSS के अंदर, यही चीज बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पर p डॉट डेमो, तो इसका मतलब ही वो है। ओके, इसके बाद और एक चीज है, यहाँ पर दो क्लास यानी मल्टीपल क्लास अप्लाई कर सकते हैं, दो मतलब दो क्लास ही नहीं, ऐसे बहुत सारे जितने भी क्लास आपको अप्लाई करने हैं आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो मुझे रीड मोर का जो देखिए यहाँ पर है, इसको कुछ बैकग्राउंड कलर जैसा कुछ अप्लाई करना है, और टेक्स्ट कलर भी मुझे अप्लाई करना है, तो मैं रीड मोर पे जाके सीधे लिख दूंगा क्लास, और मैं लिखता हूँ BGCOLOR, BG कलर, और स्पेस दूंगा, और मैं लिखता हूँ TXTCOLOR, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर दो क्लास अप्लाई किए, इसके और भी क्लासेस आप अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ही अप्लाई करने हैं इतने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास का एक यही एडवांटेज है, हम मल्टीपल क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आईडी जो है, आईडी में आपको यूनिक ही रखना पड़ता है और एक ही रखना पड़ता है। मान लो आपने देखिए आईडी यहाँ पर कॉलम वन दे दिया, तो ये कॉलम वन आईडी आप रिपीट नहीं कर सकते, तो कॉलम टू ही लिखना पड़ेगा आपको, या फिर कुछ और नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आईडी और क्लासेस में। ओके, तो इसीलिए जो सारे जो प्रोफेशनल्स है वो हमेशा मोस्ट ऑफ क्लास ही यूज करना प्रिफर करते हैं, तो हमेशा क्लास ही यूज होता है, ठीक है, ज्यादा करके। तो चलिए फिर से हमारे पॉइंट पे आते हैं, हम लोगों ने क्या कहा, क्लास में मल्टीपल क्लासेस जो है वो हम लगा सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि रीड मोर में एक बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे और एक टेक्स्ट कलर चाहिए, तो सिंपली जाना है यहाँ पर, देखिए आपको लिखना कैसे है वो मैं अभी आपको बताता। तो यहाँ पर देखिए फिर से क्लास है, इसके लिए मैं सिंपली डॉट लिखूंगा और बीजी कलर लिख रहा हूँ, और यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा क्योंकि मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, और मैं कहता हूँ चलो टोमेटो ले लो इसको, ठीक है, और मैंने सेव कर लिया। और सेव करने के बाद देखिए टोमेटो बैकग्राउंड कलर आ गया। अब दूसरी जो चीज़ है, दूसरा क्लास टेक्स्ट कलर है, तो सिंपली इसके नीचे जाके मुझे लिखना है टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट कलर है इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कलर, और कलर मुझे चाहिए मान लो ब्लू, या फिर कोई भी चलो व्हाइट ले लेते,
सेव कर लिया। तो देखिए आपको यहाँ पर व्हाइट दिखाई देगा। तो ये दोनों कलर आपने यहाँ पर इसको अप्लाई किए हैं, किसको, इस रीड मोर वाले एंकर को। बात समझ में आ रही है? तो सक्सेसफुली हम लोगों ने यहाँ पर तीनों कंसेप्ट कवर कर लिए जो क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कुछ इस तरह आप क्लासेस यूज कर सकते हो क्लास में, मतलब क्लास अगर आप देते हो आपके HTML में, तो CSS में जाके कुछ इस तरह अप्लाई कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर HTML में मल्टीपल क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हो एक ही एलिमेंट पे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है। ओके, तो चलिए फिर एक बार इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, और फिर एक बार मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करके नीचे ले लेते हैं। ठीक है, और मैं कहता हूँ column 1, column 2, column 3। ठीक है, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ 2 और यहाँ पर 3। अब देखिए मैं सेव करता हूँ और एक बार, ये लग रहा है बिकॉज हमारा जो पुराना वाला CSS है, यहाँ पर देखिए ये मैंने कमेंट नहीं किया जो क्लास से रिलेटेड है। और यहाँ पर फिर एक बार मैं लिखूंगा क्लास सिलेक्टर। ठीक है, इसे आपको पता चल जाएगा ये क्लास सिलेक्टर से रिलेटेड है। चलिए सेव किया मैंने, देखिए सब कुछ फ्रेश हो गया। अब कौन सा देखना है हमें, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल का मतलब है, देखिए यहाँ पर मैं एक स्टार डालता हूँ। स्टार का मीनिंग है आपके HTML के एलिमेंट पे, यानी HTML के पेज पे, सॉरी HTML के पेज पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को आप अप्लाई करिए, इसका ये मतलब होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है यूनिवर्सल। तो ये क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर है, और आपको सिंपली ब्रैकेट देने हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, और जो CSS आपको देनी है आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ मुझे टेक्स्ट कलर अप्लाई करना है, और वो जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा वॉयलेट कलर का। मैं सेव करता हूँ, तो देखिए सभी का टेक्स्ट कलर जो है वो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा यही काम करता है हमारा यूनिवर्सल, क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए तो ये भी कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या है। ठीक है, अब ग्रुपिंग देखिए यहाँ पर आपको डेमो भी देखे रखा है, कि डेमो का मतलब ये सिंपली HTML का टैग है। यहाँ पर देखिए डॉट डेमो का मतलब ये सिंपली एक HTML में क्लास लगाया हुआ है आपने, और यहाँ पर देखिए हैश डेमो का मतलब यहाँ पर आपने सिंपली ID लगाया हुआ है, और तीनों चीज आप लगा सकते हो और उसको ग्रुप कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मान लो मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, देखिए एक मिनट इसको पहले बंद कर लेते हैं, इसको भी हम लोग ये यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूँ, ये क्या है, यूनिवर्सल। ठीक है ना, यूनिवर्सल सिलेक्टर, सेव करता हूँ मैं, और यहाँ पर फिर एक बार यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और नीचे जाएंगे फिर से इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर लिया, फिर एक बार देखिए फ्रेश सब कुछ दिखाई देगा, और यहाँ पर भी देखिए कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखिए ग्रुपिंग सिलेक्टर देख रहे थे, तो ग्रुपिंग सिलेक्टर में यहाँ पर देखिए तीनों अलग चीज़ें हैं आप लगा सकते हो। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि मान लो कि आपको सभी, मतलब जैसे H, यहाँ पर देखिए क्या है, H2 है, पैराग्राफ है, ओके, और एंकर है। ठीक है, तो ये तीनों जो है और सिर्फ कॉलम वन में मुझे चाहिए। तो ये क्या चाहिए, सिर्फ एक ही CSS मुझे अप्लाई करनी है, मतलब इन तीनों के ऊपर बैकग्राउंड कलर सेम होना चाहिए और टेक्स्ट कलर सेम होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ, लेकिन वो सिर्फ कॉलम वन के लिए होना चाहिए, ये भी मैं चाहता हूँ। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है इसका पेरेंट। देखिए क्लास है, तो मैं क्लास है इसके लिए मैं पहले लिखूंगा डॉट कॉलम वन। ठीक है, मैंने लिख लिया कॉलम वन। अब मैं कह रहा हूँ कि कॉलम वन में H2 है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा और कॉलम वन के H2 के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, कॉलम वन का H2, तो इसको मुझे अप्लाई करना है। मुझे क्या अप्लाई करना है,
देखिए मुझे अप्लाई करना है बैकग्राउंड कलर, और वो होना चाहिए मान लो ऑरेंज। ओके इसमें सेव कर लिया, तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ पहले वाला जो कॉलम है उसको अप्लाई हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि सेम जो है CSS को अप्लाई हो इस पैराग्राफ को, मतलब इसी कॉलम वन के पैराग्राफ को। तो देखिए ग्रुपिंग सिलेक्टर कैसे काम करता है, यहाँ पर कॉमा देना है आपको और फिर से एक बार लिखना है डॉट कॉलम वन और पी लिखना है, मतलब कॉलम वन के अंदर का पी, इसका मतलब ये होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हम लोग ने सीखा ऊपर यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर में। देखिए यहाँ पर यही चीज़ है और कुछ नया नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप कर रहा हूँ। देखिए वहाँ पर हम लोग ने सिंगल लिखा था, यहाँ पर मैं ग्रुप कर रहा हूँ, H2 भी ले रहा हूँ और पैराग्राफ भी ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेम CSS इस पे भी अप्लाई करनी है पैराग्राफ पे। करेक्ट, बराबर है ना। और मैं सेव करता हूँ तो देखिए पैराग्राफ पे भी वो बैकग्राउंड लगा देगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे एंकर पे भी चाहिए, ठीक है, तो एंकर पे भी मैं सेम लगाऊंगा, कॉलम वन ए लगाऊंगा। ठीक है, एंकर के लिए हम लोग ए लिखते हैं, राइट। तो मैं सेव करता हूँ तो देखिए एंकर में भी सेम अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। अगर मान लो मुझे तीनों कॉलम्स में सेम CSS अप्लाई करनी है, तो तीनों कॉलम्स के लिए अगर करना है तो सिंपली ये कॉलम वन टू लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अगर आप निकाल दोगे, मैंने सेव कर लिया, तो देखिए सभी को मतलब यहाँ पर तीनों कॉलम्स में वो अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हमारे HTML पेज पे इतने ही चीज़ें हैं, बराबर। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, इसीलिए ये सिनारियो बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या ग्रुपिंग वाला सेलेक्टर, और इसको कुछ ऐसे यूज़ किया जाता है। और आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मान लो और भी कई चीज़ें हैं मुझे अप्लाई करनी है एक ही चीज़ पे, मतलब सेम CSS अलग अलग एलिमेंट्स पे आपको अप्लाई करनी है, तो ये तरीका है ग्रुपिंग सिलेक्टर का। इस तरह कुछ आप उसको यूज करके अप्लाई कर सकते हो। मान लो देखिए अभी मुझे कलर अप्लाई करना है, ओके कलर कॉलम्स नहीं कलर, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर वाइट सेव। तो देखिए वो कलर भी जो है सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन और एक कंडीशन थी आपकी कि पहले कॉलम में ही चाहिए, इसीलिए हम लोग ने सिर्फ यहाँ पर पहला कॉलम दिया हुआ है। ओके गाइस, तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो आपको ताकि आपको सारी चीज़ें थोड़ा सा आराम से समझ में आए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें सिनारियो करके मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आई होप ये समझ में आपको आ गया है। ठीक है, तो देखिए फिर एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश रिविजन कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है, एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर आप पी लिखते हो तो पी को हम CSS अंदर जाके देंगे, इसका मतलब ये एलिमेंट सिलेक्टर होता है, मतलब कह सकते हैं बेस्ड ऑन नेम, बेस्ड ऑन HTML का नेम सिलेक्टर, सिंपल। तो उसको हम लोग यहाँ पर CSS अप्लाई करते हैं। उसके बाद मान लो यहाँ पर देखिए डेमो स्पेस पी है, डेमो स्पेस पी का मतलब आपका जो यहाँ पर div है, मान लो ये div है कॉलम क्लास कॉलम वन, इसके अंदर किसी को अप्लाई करना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ही, मतलब सिर्फ इसके H2 को ही मुझे अप्लाई करना है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो यूज होता है, ये स्पेस वाला। ठीक है, ये भी हम लोग ने देख लिया। आईडी आपको समझ में आ गया, अगर आईडी आप सिलेक्टर लगाते हो तो सिंपली हैश लिखना है आपको CSS के अंदर जाके, ओके, और आपको जो CSS अप्लाई करनी है वो कर सकते हो। उसके बाद क्लास देखा हम लोगों ने, क्लास के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, देखिए डॉट लगाते हैं, हमेशा डॉट लगाना है, और यहाँ पर कुछ अलग अलग कंसेप्ट है, पी डॉट डेमो और क्लास और ये सारी। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब पूरे HTML के पेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अप्लाई करेगा। इसके बाद ग्रुपिंग अभी अभी हम लोग ने देखा, तो ये सारी चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप खुद इसको करेंगे। तो मैं प्लीज़ वही चीज़ कह रहा हूँ, आप पहले मेरा वीडियोस देखिए, मेरे सारे वीडियोस देखिए, लेकिन मेरे साथ साथ जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे भी, वैसे आप भी बनाइए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, सिर्फ देखने से समझ में नहीं आने वाली। तो प्लीज़ मैं रेकमेंड करूँगा आपको ये सारी चीज़ें आप करिए, तभी आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये जो वीडियो है, मेरा लास्ट वीडियो, पहला वाला वीडियो जो है CSS में, और ये वाला वीडियो, ये दोनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों चीज़ें जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई ना,
लास्ट वीडियो और इस वीडियो में मिला के, तो ये दोनों चीज़ें सीएसएस का पूरा बेसिक है। ओके, तो ये अगर आपको नहीं आएगा तो आगे बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सी चीज़ें हैं, बहुत इजी चीज़ें हैं, आप करेंगे तभी आपको इजी फील होगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, नोट केस सेंसिटिव, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। मान लो आपने क्लास लिखा है कॉलम वन, और यहाँ पर देखिए कॉलम वन सेम लिखा है, राइट, तभी आपका यहाँ पर सीएसएस अप्लाई हो रहा है। मान लो यहाँ पर आपने सी कैपिटल लिख दिया, मैंने सेव कर लिया, अब देखिए ये सीएसएस अप्लाई नहीं होगा, तो ये केस सेंसिटिव होता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो अगर आपने यहाँ पर सेम क्लास का नाम लिखा है तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम रूल अप्लाई होता है आईडी को भी, अगर आप आईडी भी डालते हो तो आईडी, यहाँ पर चलिए मैं आईडी लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं आईडी लगा देता हूँ तीनों को। ओके, और मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, देखिए सेव आईडी मैंने किया, और यहाँ पर मैंने सेव नहीं किया है, देखिए, और सेव करने के बाद देखिए अप्लाई होता है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए, आईडी में भी अगर सी कैपिटल है तो ये अप्लाई नहीं होगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये एक नोट है, और दूसरी नोट है देखिए यहाँ पर, एन आईडी नेम कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर, तो आईडी, और देखिए क्लास में भी सेम है, क्लास नेम कैनॉट स्टार्ट विद ए नंबर, तो आईडी और क्लास दोनों जो चीज़ें आप लगा रहे हो यहाँ पर, तो ये आप सिंपली ऐसे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ये कह रहा है। तो मैंने वह फिर से मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, चलो नंबर देख लेते, वन कॉलम वन और सी कैपिटल है, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम डाल देते, ठीक है, वन कॉलम वन, देखिए यहीं पर उसने एरर दे दिया रेड में, तो ये आप नहीं कर सकते। मैं सेव करता हूँ यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं होगा, तो ये ध्यान में रखना है। आईडी में भी जब भी आप आईडी डाल रहे हो और जब आप क्लास डाल रहे हो, तो हमेशा ये जो नंबर है ना वो स्टार्ट में नहीं आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ओके, तो ये दो चीज़ें थी, और एक छोटा सा नोट था केस सेंसिटिव पे, और ये सारी चीज़ें डिटेल में मुझे समझानी थी कि यहाँ पर सिंपल सेलेक्टर्स मतलब क्या होते हैं। तो उसमें अलग अलग कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हम लोग ने आज इस वीडियो में जाने हैं, और ये सारे वीडियोस देखो आप, लेकिन देख देख के आप खुद से करिए, तभी आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग चालू करेंगे, यहाँ पर से शुरू करेंगे बैकग्राउंड्स क्या है सीएसएस के अंदर, और वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो मेरा बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।